Go. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लॉकडाउन का जो 13वां दिन था उसमें एक पॉजिटिव केस जो है जोधपुर में और मिला। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या जो है 274 जो है वो हो चुकी है। जोधपुर में रविवार को जो है वो 3 नए जो है मरीज सामने आने के बाद जो है सोमवार सुबह एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नागौरी गेट क्षेत्र में कोरोना के 7 मरीज सामने आने के बाद कराए जा रहे रैंडम सर्वे के दौरान जो है इस व्यक्ति की जानकारी मिली। इस व्यक्ति में कोरोना से जुड़ा किसी प्रकार का लक्षण नहीं था, लेकिन जो है ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जांच की गई और यह कोरोना संक्रमित पाया गया। इस तरह अब जोधपुर शहर में कोरोना के संक्रमित की संख्या 21 हो चुकी है। इसमें से 5 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान से एयरलिफ्ट जो है करे जाने के बाद 31 भारतीय नागरिक भी जो 31 भारतीय नागरिकों में पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज भी जो है वो यहीं पर कराया जा रहा है। दरअसल इन दिनों नागौरी गेट क्षेत्र में लगातार मरीज मिलने के बाद घर घर सर्वे किया जा रहा है और इन सर्वे के दौरान जानकारी मिली कि हाथीराम का जो ओडा है क्षेत्र में निवासी एक व्यक्ति 28 मार्च को मध्य प्रदेश से लौटा है। इस पर इसे MDM अस्पताल लाकर जांच की गई। आज सुबह जो है आई जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके परिवारजनों को एम्बुलेंस भेज अस्पताल लाया गया, साथ ही पूरे क्षेत्र को भी जो है वो सील कर दिया गया और घर घर जांच का जो है अभियान शुरू किया गया है। जोधपुर शहर में अब तक 8 महिलाएं सहित कुल 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 3 तुर्की से और 3 इंग्लैंड से लौटे हैं, जबकि मुंबई से जोधपुर तक की ट्रेन यात्रा के दौरान तुर्की से लौटने वाले पति पत्नी के संपर्क में आने से एक युवती संक्रमित हो गई। वहीं बुधवार को मसूरिया क्षेत्र में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जो है संक्रमित पाए गए थे। गुरुवार को 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई और शनिवार को एक साथ 7 नए पीड़ित मिले। रविवार को 3 और जो है वो मामले सामने आए थे और सोमवार को जो एक नया मरीज जो है सामने आया है। वहीं जोधपुर व जैसलमेर में सेना के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर रखे गए 3 और भारतीय नागरिक रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें मिलाकर अब तक इनकी संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। पॉजिटिव पाए गए 3 भारतीय नागरिक जोधपुर में वेलनेस सेंटर में रहे थे और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जोधपुर जैसलमेर में रहने वाले सभी 1036 भारतीय नागरिक के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है एक और जो है केस सामने आया है कि कोरोना का जो संदिग्ध मरीज था वो अस्पताल से जो है फरार हो गया, तलाश उसकी जारी है। कोरोना वायरस के एक संदिग्ध में को रात को मंत्रोदास मातुल अस्पताल लाया गया। वो संदिग्ध मरीज था मगर वो सोमवार को सुबह सुरक्षा व्यवस्था जो है के बीच जो है वो फरार हो गया। इस संदिग्ध को दोपहर तक पता नहीं लग पाया। पुलिस की टीमें इसकी तलाश जो है में वो लगी हुई है। पुलिस के अनुसार रविवार रात को कोरोना के एक संदिग्ध मरीज का इलाज के लिए MDM अस्पताल ले जाया गया, जो आज सुबह अस्पताल में रूटीन जांच होने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देकर जो है अस्पताल से भाग छूटा। मरीज के अस्पताल से भागने की सूचना पर अब उसकी तलाश जो है पुलिस टीम कर रही है। आखलिया क्षेत्र में चिकित्सा विभाग पुलिस के साथ स्क्रीनिंग के काम कर रही है। अब आखलिया चौराहे क्षेत्र में चल रहा स्क्रीनिंग के समय एक व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा मिला था। पुलिस टीम ने एक एम्बुलेंस में डालकर उसे तुरंत अस्पताल जो है पहुंचाया। उसकी आज सुबह सैंपल लिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही आज सुबह करीब 6 बजे वह अस्पताल से जो है वो भाग निकला। सनद रहे कुछ दिन पहले एक युवती भी इसी प्रकार भागी थी मगर उसे बाद में पकड़ लिया गया था। जांच में उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। अब उसकी नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है ये तो समय बताएगा, मगर फिलहाल वो युवक फरार है। COVID-19 का केस आया है। ये केस हमने पिछले 2 दिन से जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ पर सैम्पलिंग कराई है कुछ क्राइटेरिया के आधार पे। वो क्राइटेरिया हमने ट्रेवल हिस्ट्री वाले, क्रोनिक डिजीज़ वाले, ओल्ड एज वाले या फिर किसी को कोई लक्षण है
ये डोर टू डोर जाके जो टीम सर्वे कर रही है उसमें से ही ये केस एक निकल के आया है पॉजिटिव। और इसी तरह कल भी जो केसेस आए थे उनमें से एक और केस जो आया था वो भी उसी एरिया में से इस तरह से सर्वे में से निकल के आया है। तो इस प्रकार आज का एक केस मिला के टोटल 21 केस COVID-19 के अब तक जिले में आ चुके हैं। इनमें से 5 MDM हॉस्पिटल द्वारा नेगेटिव भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे अभी जो स्ट्रेटेजी जो चल रही है इसमें जो हाई रिस्क जोन हमारे हैं उसमें सघन स्क्रीनिंग की कार्रवाई चल रही है। नागौरी गेट के आसपास के जो इलाके हैं 37 वार्ड नगर निगम के उत्तर दक्षिण के मिला के जिसमें लगभग 2 लाख लोग रहते हैं उस सब एरिया में सर्वे चल रहा है। 150 से अधिक टीमें जिसमें हर टीम में 2 सदस्य और उन सब के 2-2 प्रभारी ये टीमें सारी सघन सर्वे कर रही हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया हमने ले रखा है क्रोनिक डिजीज हाई रिस्क वाले पेशेंट जिनको कोरोना का असर ज़्यादा होगा और जो सस्पेक्टेड ज़्यादा होंगे उन लोगों का सर्वे कर रहे हैं और उन लोगों के टेस्ट वहीं पे जाके कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे उस सर्वे में 2 लोग अभी तक निकल के आए हैं और इस तरह से हमें लगता है कि उस एरिया में हम एक बार सर्वे पहले कर चुके हैं और अब उसका टेस्टिंग लोगों के करके जो भी वहाँ पे कोरोना सस्पेक्ट हैं उन सब का हम पता चल जाए कि कौन कौन एरिया में कोरोना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। कुछ हाई अलर्ट एरिया जो हैं वो बनाए गए हैं नागौरी गेट उदय मंदिर और उसके आसपास के एरिया और बाकी भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया क्योंकि अभी कोरोना पॉजिटिव जो है उनकी संख्या बढ़ी है। जो नागौरी गेट में और कुड़ी में जो है केके कॉलोनी के अंदर जो है पॉजिटिव केस मिला था उसके बाद जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस रात को लगी हुई है। आप मेरे पीछे जैसे मैं अभी उदय मंदिर क्षेत्र में हूँ और रात को 1:30 बज रहा है मगर जो है पुलिस जो है तैनात है और एरिया पूरा सील किया हुआ है, कहीं भी जो है किसी को आने जाने नहीं जा रहा है और निगरानी जो है प्रॉपर हो रही है। देश में जो है संक्रमण बढ़ा है, जो उसके संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है, इसके अलावा जो है पॉजिटिव केस भी मिले हैं। और अब जो है बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक पॉजिटिव मैसेज दिया था जिसमें जो है घरों की बालकनी में छत पे जो है दिए जलाने, मोमबत्ती और टॉर्च की लाइट करने का कहा गया, एक पॉजिटिव मैसेज था प्रधानमंत्री द्वारा। और प्रधानमंत्री बार बार, मुख्यमंत्री और बाकी अधिकारी जो है समाज से भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कृपया घरों में रहें। और जो भी स्वास्थ्य संगठनों ने आह्वान किया है और कहा है कि वो जो है जो भी बताए गए प्रिकॉशन से उनको पूरा जो है लें, तो लोगों ने जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं और एक अच्छा जो है वो देशभक्ति का मैसेज जा रहा है, पूरा राष्ट्र जो है एक साथ है। आप मेरे पीछे देखते हैं उदय मंदिर में अभी रात को जो है 1:30 बजे पुलिस तैनात है, पूरा एरिया जो है सील किया हुआ है। सर ये पूरा जो है आपने रात को भी इतने लगे हुए हैं और पूरा एकदम बिल्कुल एरिया शांत है और जगह जगह जहाँ आप जा करके जो है कुछ लोग बाहर निकले थे उनको आपने अंदर भी करवाया है, बताएं सर एक बार पूरा। हाँ, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें, घरों में सुरक्षित रहेंगे, ये महामारी से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें। आवश्यकता का सामान लेना है तो प्रशासन ने सारी परमिशन दे रखी है, और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। क्या शुभ नाम है सर आपका? सदाराम नाम है। सदाराम जी, और आप यहाँ उदय मंदिर थाने से हेड कांस्टेबल हूँ। हाँ जी, 4 आदमी हम रात में अभी 10 से 2 बजे की ड्यूटी में शिफ्ट में लगे हुए हैं, अलग अलग शिफ्टें लगी हुई है। अच्छा, और हम मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं जी, जनता की सुरक्षा के लिए। हाँ, शाम को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग बाहर दिखे लेकिन अभी बिल्कुल शांत कर रखा है सबको आपने अभी करवा के, बिल्कुल पब्लिक यहाँ एकदम शांत है जी, ये पूरा सील है यहाँ का जी, व्यवस्था अच्छी है। धन्यवाद सर। आप देखिए पुलिस अपनी जगह मुस्तैद है और रात को जो है आप लोगों के लिए ही लगी है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए लगी है। मुस्तैदी से जो अगर प्रशासन जो है बार बार निवेदन कर रहा है आपसे कि कृपया घरों से बाहर ना निकलें। और अभी जो है प्रथम पॉजिटिव केस जो है शास्त्रनगर से जो आया था वो भी जो है डिस्चार्ज हो गए हैं और उनको भी जो है अब घर में जो क्वारंटाइन किया गया उनका एक वीडियो भी आया है सामने और एक मैसेज भी आया है, हम आपको मैसेज पढ़ के सुनाते हैं।
जोधपुर के प्रथम पॉजिटिव केस के डिस्चार्ज होने पर एवं उनके परिवार के आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर से डिस्चार्ज होने पर लगभग 15 दिन के अंतराल में जो है कि पश्चात परिवार ने जो है अपनी अभिव्यक्ति एवं जनता के नाम जो है वो संदेश दिया है। मैं आपको संदेश पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक मैसेज जो है वो आशा उत्तम चंदानी ने लिया है और इंग्लिश में मैसेज है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, CMHO ऑफिसर्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ फॉर देयर सपोर्ट एंड केयर। दे विल ऑलवेज देयर फॉर अस लाइक अवर ओन फैमिली मेंबर्स। दे ऑल आर वर्किंग डे एंड नाइट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर अवर सेक। दे आर ट्रू हीरोज ऑफ अवर सिटी। ये जोधपुर के लिए जो है और डॉक्टर्स के लिए बोला है, दे आर ट्रू हीरोज ऑफ अवर सिटी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ वेल विशर्स, थैंक टू ऑल योर विशेज। वी आर रिटर्निंग हेल्दी एंड मोर हैप्पीली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू द एलिमिनिटी हु इज ऑलवेज विद अस। दिस इज और ओम नमः शिवाय, जय माता दी। थैंक यू आशा उत्तम चंदानी। ये आशा उत्तम चंदानी जो है उन्होंने मैसेज किया है और सबने एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में भी थैंक्स वाला वीडियो भी आपको इसके साथ में दिखाएंगे। तो देखिए, जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव थे वो लोग भी जो है वापस जो है वेलनेस की तरफ आ रहे हैं। आज जिला कलेक्टर जो है उन्होंने जो है भी एक मैसेज दिया है कि एक जो है पॉजिटिव केस मिला है जो रैंडम चेकिंग के दौरान मिला है। इसके अलावा जो है 5 केस ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, अभी सेल्फ क्वारंटाइन में उनको रखा गया है और उनका भी जो है आपको वीडियो हम बताते हैं। आपको खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज और आपसे बार बार नमस्ते राजस्थान के मंच से माध्यम से हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कृपया करके घरों से ना निकलें। जो स्वास्थ्य संगठनों ने बताया है, डॉक्टर जो कह रहे हैं, उनका जो है उनका ध्यान रखें और अपने हाथ बार बार साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें और अपने घरों पर ही रहें। इसके अलावा जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है अपनी तरफ से पूरे सपोर्ट में दे रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है। पुलिस जो है वो खुद निगम जो है वो भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत जो है इस वायरस, इस जो है कोरोना से जो है संक्रमण से हम ऊपर आएं और हम लोग सब स्वस्थ रहें। आप लोग भी अपने स्वस्थ रहें और घरों में रहें। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और पता लग गया कि मेरे को पॉजिटिव आ गया, तो डॉक्टर ने मेरे को हिम्मत लाई और मैं कॉन्फिडेंट पड़ा। मेरे को उन्होंने बताया कि मेरे को ये कोरोना को करना है, तो लास्ट में डॉक्टर ने मेरे लिए दवाई थी कि लास्ट करवाया और अंत में मेरे नेगेटिव देखकर मैं पेपर आ गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब टर्की से वापस आई और जब बेटे को थोड़ा सा हम हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद हम सबका यहाँ पर टेस्ट हुआ और हम सब नेगेटिव में आए, तो हमको आयुर्वेद करवड़ में हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी देखभाल हुई और सारी हमारे को सुविधाएं दी गई और कोई भी तकलीफ नहीं आई। अगर समय पर कहीं जरा भी खांसी जुकाम भी हुआ तो हमको उसकी औषधि दी गई और अब हम घर आ गए हैं और हम आज बेहद खुश हैं। आप सब लोगों के देखभाल और इलाज से हम लोग अपने घर में आज खुश हैं और आप लोगों का बहुत बहुत डॉक्टर्स का, स्टाफ का, सभी का बेहद धन्यवाद। और जो आप लोगों ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अभी भी घर में भी हमको 14 दिन थोड़ा अलग क्वारंटाइन में रहना है और मास्क लगाना है, तो वी फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस और हम आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद। नमस्ते। मैं
नमस्ते, मैं नीलम हुकुम चंदानी। मैं सबको एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ के प्रति बहुत ही अवेयर रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं, या आपके आसपास भी ऐसा कोई आपको सस्पेक्ट लगता है कि कोई किसी से संक्रमित होके आया है या कोई मिला है, अगर थोड़ा सा भी आपको शक होता है तो प्लीज़ प्रशासन को कॉल कीजिए, उसको घर बुलाइए, ताकि आप खुद को और अपनी फैमिली को सेव कर सकेंगे। और जो क्वारंटाइन होता है हमारे लिए, वो हमारी मदद के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। उसमें किसी भी प्रकार का भय मत रखें कि हम 14 दिन क्यों जाएं और क्यों नहीं जाएं। तो वो चीज़ बस मैं कहना चाहूँगी, जो भी प्रशासन कर रहा है वो हमारी मदद के लिए कर रहा है, जोधपुर को सेफ रखने के लिए कर रहा है, तो उसमें आप सभी लोग सहयोग कीजिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, सब ने हमारा अच्छे से ध्यान रखा और अब हम यहाँ पे विद फैमिली स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। थैंक यू।